बड़वा में स्थित सतीघाटा रामकृष्ण मंदिर के गादीपति श्री महंत बलजीत भारती का 19 मार्च को कैलाशवास हो गया था, जिनका षोडशी कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मालीन श्री महंत बलजीत भारती जी के उत्तराधिकारी की घोषणा सैकड़ों संत महात्माओं, भक्तगण एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में श्री जूना अखाड़ा के महामंत्री हरिगिरि महाराज द्वारा करते हुए श्री महंत मोहन भारती को गादीपति के रूप बनाया गया। उनके संत सहायक के रूप में देखरेख करेंगे सुंदर भारती जी महाराज। गादीपति की घोषणा होते ही संतों एवं पदाधिकारियों ने चंदन लगाकर चादर ओढ़ाकर श्री महंत मोहन भारती की गादीपति आसीन किया। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने पुष्पमाला आदि से उनका अभिनंदन कर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। बड़ी देर तक दर्शन का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसके पूर्व सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में पंडित फणीन्द्र अत्रे के आचार्यत्व में रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। पश्चात ब्रह्मालीन श्री महंत बलजीत भारती की समाधि पर उपस्थित सभी संत समाज द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, प्रयागराज, काशी समेत देश के विभिन्न प्रांतों से संत महात्मा पधारे हुए थे। आपको बता दें, नवघाटा खेड़ा में डेहरिया स्थित सुंदरधाम आश्रम के श्री 1008 महामंडलेश्वर बालकदास जी महाराज ने ब्रह्मालीन श्री महंत से जुड़े अपने संस्मरणों को बताते हुए कहा कि वे तपस्वी बुद्धि के थे। उन्होंने कहा कि बड़वा नगर की आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म से जुड़ी आधारशिला को ब्रह्मालीन जी ने अधिक मजबूती दी है। संवाददाता भूपेन सेन की रिपोर्ट। स्वामी जी जो इनका खोलती उत्साह मनाया जा रहा है, स्वामी जी आगे बढ़वा के तपस्वी मूर्ति थे और इतने प्रेमी थे कि जब भी हम जहाँ जाते थे अपने भंडारा में जहाँ भी गले जाते थे हमसे गले मिल करके बैठाते थे और बहुत अच्छा सब जगह जाते थे, संतों के बड़े प्रेमी थे। और स्वामी जी ने बढ़वा में एक ऐसा कार्य करके गया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी परंपरा के लिए ऐसा उन्होंने करके गया है जो आने वाली पीढ़ी इतिहास धर्म के इतिहास रच के गए हैं। इनके जो भी संप्रदाय के जो भी परंपरा के संत हैं वो जीवन में अपना आनंद लेंगे। वो स्वामी जी ने ऐसा कार्य करके किया क्या गए हैं कि उसका हम बखान नहीं कर सकते। इस बढ़वा क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के लिए धर्म की ध्वजा फैला के गए हैं। अब हमारे गुरु जी थे, उनके नहीं होने से अपूर्णीय क्षति है, पूरा तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जो बताए गए रास्ते पर जो उन्होंने मार्गदर्शन करा उस पर चलने का प्रयास करेंगे। वो उनके नाम की जो पताका आज बड़वा में लहरा रही है उसको हमेशा लहरा रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना इंसान का काम है, फल देना ऊपर वाले है। उनका तो ऐसा ही शब्द है, कभी झुकी मुक्की रखना नहीं, जो आया दे दो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, देना और बांटते रहो, हमेशा कभी खाली नहीं रहो। क्या है कि 2007 में जब महाराज जी श्रीमंत बने थे रमता पंच में, उस दौरान मैं उनसे संपर्क में आया तो फिर गुरु तुल्य वो व्यवहार करने लगे, मैं भी उनका शिष्य बन के रहने लगा। फिर उन्होंने एक आश्रम लिया बड़पगाना हरियाणा में, वहाँ पे मेरे को रखा, फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, फिर उन्होंने बड़वा समय समय उत्तराधिकारी बना दिया। आज बगाना डेरा उनके आशीर्वाद से पूरे जूना अखाड़े में 4 मड़ी में 1 नंबर का डेरा बगाना, ऐसा ही बड़वा को बनाने का कोशिश करेंगे। आज यहाँ बड़वा में राधा कृष्ण शक्ति पीठ और श्री महंत बलजीत भारती जी महाराज के तपोस्थल और उनके समाधि पे आज जो है उनके सोलसी भंडारा के उपलक्ष्य में यहाँ पे दशना जूना अखाड़े के पदाधिकारीगण और उनके चाचा गुरु, कोई ताया गुरु और कोई उनके गुरु परंपरा से जुड़े हुए राजस्थान, महाराष्ट्र, अनेक क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश, राष्ट्र भर से बलजीत भारती जी के संबंधित लोग उपस्थित हुए। कुटीचर महंत मल्लेश्वर उनके और मंडल के और गणमान्य शहर के उनके भक्तगणों की एक संयुक्त बैठक हुई। रीति रिवाज के मुताबिक श्री पंचस्नान जूना अखाड़े के रमता पंच कुछ पदाधिकारियों ने चंद्र उड़ाकर गादीपति आसीन किया। उसके बाद उनके गुरु भाई, कोई चाचा गुरु, उस नरसिंह मणि और भारतीय समाज ने उनको चंद्र दे के अपना विचार व्यक्त किया और उनके प्रति आस्था निष्ठा व्यक्त किया। उनके रिक्त स्थान पे मोहन भारती जी को गादीपति चंदन बना के गादीपति बनाया गया और उनके सहायक रूप से सुंदर
भारती जी काम करेंगे यहाँ पे।